सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल को दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वेजिटेबल पास्ता की रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है और इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पास्ता लिया है, क्वांटिटी में ये 3 पैकेट के करीब होगा। तो हमें इसे सबसे पहले बॉयल करना है। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था और मैंने इसमें इतना पानी लिया जिसमें कि हमारे पास्ता अच्छी तरह से डिप हो सके। तो चलिए पास्ता डाल देते हैं हम इसमें। इसे एक बार मिला देते हैं और इसमें 1 स्पून के करीब हम नमक डाल देंगे और 2 स्पून के करीब ऑयल। ऑयल डालने से क्या होता है, पास्ता आपस में चिपकते नहीं है। अब इसे मिला देंगे अच्छी तरह से और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है और अब पैन को कवर कर देते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। पास्ता अच्छी तरह से यहाँ पे बॉयल हो चुका है, तो सबसे पहले मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छी तरह से इसके सारा पानी निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है जो कि बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं लहसुन की कलियाँ ये डाल दूंगी बारीक कटी हुई, ये मैंने करीब 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली थी। इसे हम लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे ही रखेंगे। बस हम इसे ज्यादा नहीं फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया था, उसे मैंने बारीक काट लिया है। इसे भी हम लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया पहले से। यहाँ पे मैं एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल दूंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने 1 कप हरी शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट लिया था, इसे डाल देंगे। आप इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। साथ साथ ये फ्रेश हरे मटर, ये मैंने 1 कप लिया, ये भी डाल दूंगी। और ये बीन, ये भी 1 कप के करीब है। अब इन सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैं 1 स्पून नमक भी डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि जब हम पास्ता बॉयल कर रहे थे उस समय भी मैंने नमक डाला था, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसे यहाँ पे कवर कर देंगे हम 1-2 मिनट के लिए। बीच में एक बार चला भी लेंगे ताकि हमारी वेजिटेबल्स नीचे से जले ना। 2 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम चेक कर लें। थोड़ा टाइम और लगेगा, करीब 2 से 3 मिनट और लगेंगे, तो हम इसे ढक देते हैं और 2-3 मिनट के लिए वेट करेंगे। वेजिटेबल्स हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, हमें इसे और ज्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि ये क्रंची खाने में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं ये 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए, मैंने इसे बारीक काटा था, ये इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को हमें ज़्यादा नहीं गलाना है, इसे मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर करके कुक करूँगी। टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो अब यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ ये मलाई मैंने घर पे तैयार किया था वो डाल रही हूँ। आप इसके अलावा यहाँ पे फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं, बट ये क्रीम या मलाई डालने से पास्ता का फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने टोमेटो केचप लिया है, वो इसमें डाल देंगे। टोमेटो केचप के जगह पे आप टोमेटो की प्यूरी बना के भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को हम लो से मीडियम के बीच में ही रखेंगे। 1 मिनट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पे मैं ये 1/2 स्पून के करीब ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ये आपको किसी भी सुपर मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा,
इसे मिक्स कर लेंगे हम। इससे पास्ता का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और अब यहाँ पे मैं पास्ता डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा यम्मी पास्ता बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने घर पे नाश्ते में बना सकते हैं या बच्चों को टिफिन में पैक करके भी दे सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइए। मिलते हैं अब एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।